हेलो, ऑडियो आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज, फिर स्टार्ट कर दें आप। ओके, सो पंजाबी लैंग्वेज दे जसप्रीत, तुहानू ही वॉइस की दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं कहा सी कि जो जूम ऐप है उन्होंने अपलोड जरूर करो। बाकी सबनों वॉइस क्लियर आ रही है, क्योंकि सब दे जो रिप्लाई है वो यस सर दे विच ही आए हैं। प्लीज एक बारी जूम जो है ऐप उसनू अपडेट करो। इसे करके ही मैं मैसेज करया सी सबनों ब्रॉडकास्ट ग्रुप दे थ्रू, ताकि किसी नू दिक्कत ना आए। सो स्टार्ट कर दें। पिछे ही जो हुणे मीटिंग हुई है उन्दे विच मैं दस चुकिया कि इस दे विच की करना सी। धुनी किस नू कहिंदे आ, धुनी दा भाषा विच की स्थान है, धुनी दे कारज की हुंदे आ, धुनी दी वर्ग वंड किन्ने टाइप विच हुंदी है, स्वर और व्यंजन, और फिर स्वर और व्यंजन दी जो है वंड किस प्रकार हुंदी है वो आपां करांगे। ठीक है, सब तो पहला आपां देखिया सी कि धुनी की हुंदी है। धुनी वो हुंदी है जो बोलन समय मनुख जो है आवाजां जो भी निकालदा है उसनू धुनी कहा जांदा है। ठीक है, धुनिया जो है सिर्फ मौखिक पद्धर के उपर उचारिया जाए, इन्हों लिखती जो है नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इन्हों का सिर्फ उचारण ही किया जा सकता है। अगर आप कोई भी चिन्ह लिखते हाँ तो वह लिपि के गिणिया जाता है, ना कि धुनी दे। फिर आप गल की कि धुनी जो है भाषा का आधार है, और सब तो छोटी इकाई जो है भाषा की सब तो छोटी इकाई है, क्योंकि धुनिया के नाल मिल के शब्द बनते हैं, फॉरमेशन होंगी है धुनिया के मिलन तो बाद। ठीक है, उस तो बाद की हुंदा है कि जो भी आपां शब्दां नूं उचारदे हां वो फिर धुनिया के थ्रू ही निकलते अपने मूँह दे विच्चों। ओके, फिर आपां गल कीती उदाहरणां देखियां कि भारत जो है किस धुनिया तो बनिया है, रिया किवें धुनिया तो बनिया है, राम जो है किवें धुनिया तो बनिया है। ओके, फिर आपां गल कीती कि धुनिया की वंड जो है दो टाइप के विच हुंदी है, स्वर धुनिया और व्यंजन धुनिया। फिर आपां देखिया कि स्वर धुनिया की हुंदियां, स्वर तो धुनिया वो हुंदियां जिन्हां नूं उचारण समय अपना साह जो है बेरोक गति दे नाल बाहर निकलता है, और बोलन समय नाल ही घट समा निकल लगता है। ओके, इन्हां नूं स्वर धुनिया कहिंदे आ। फिर आपां देखिया कि स्वर जो है पंजाबी विच तीन हुंदे आ, ऊड़ा ऐड़ा और ईड़ी, और अगर स्वर धुनिया की गल करिए तां उह दस हुंदियां। इहदे विच कन्फ्यूज ना होयो, मैं रिपीट कर रहा इस वर्ड नूं ध्यान नाल सुनियो। स्वर जो हुंदे आ उहनां दी गिणती तीन हुंदी है, ऊड़ा ऐड़ा और ईड़ी। स्वर धुनिया दस हुंदियां, धुनिया दस हुंदियां, स्वर तीन हुंदे आ। स्वर धुनिया जो है स्क्रीन ते तुहानू शो हो रही होणगियां, किहड़ियां किहड़ियां दस ने, अ आ ई ऊ ऊ ए ऐ ओ, ये जो है दस स्वर धुनिया ने। फिर आपां गल कीती कि स्वर धुनिया नूं किवें वंडिया जा सकदा है, किन्ने प्रकार दे विच वंडिया जा सकदा है। ये दो टाइप दे विच वंडिया जांदा है, लघु स्वर जिन्हां नूं हरसव स्वर भी कहिंदे आ, और दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है, फिर आपां देखिया कि लघु स्वर की हुंदे आ, जिन्हां नूं उचारण समय घट समा लगता है उन्हां नूं लघु स्वर कहिंदे आ, और इन्हां दी गिनती जो है तीन हुंदी है, किहड़े किहड़े आ, ऊ अ ई, ये तीन आ, ऊ अ ई। ठीक है, फिर आपां देखिया कि दीर्घ स्वर की हुंदे आ, दीर्घ स्वर वो हुंदे आ जिन्हां नूं उचारण समय लघु स्वर नालों थोड़ा जिहा ज़्यादा समा लगता है, मतलब दुगुना समा लगता है, इन्हां दी गिनती जो है सत्त हुंदी है। गिनती जरूर याद रखियो, लघु स्वर की तीन हुंदी है और दीर्घ स्वर की सत्त हुंदी है। कई बार डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु स्वर की गिनती कितनी हुंदी है, या पूछ लिया जाता है कि दीर्घ स्वर की गिनती कितनी हुंदी है। दीर्घ स्वर की गिनती सत्त हुंदी है, लघु स्वर की गिनती तीन हुंदी है। ओके, किहड़े किहड़े दीर्घ स्वर आ, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इन्हां विचों दसो कि किहड़ा दीर्घ स्वर है। कोई इन्हां विचों सत्तां विचों तीन एक लिखा होएगा, बाकी जो है तीन लघु स्वर लिखे होणगे, तुहानू चुनना होएगा। सो इसलिए तुहानू ये भी याद रखने होणगे कि किहड़े किहड़े दीर्घ स्वर आ, आ ई ऊ ए ऐ ओ, ये जो आ दीर्घ स्वर आ। ठीक है, ये सत्तां नू भी याद रख लियो, हो सके तो नोट्स तां ही मैं तुहानू कहा कॉपी पेन लैके बैठे हो और थोड़े थोड़े नोट्स बनाते जाना, अदरवाइज तुसी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर हुण आपां गल करदे आं व्यंजन धुनिया की। एक मिनट वेट, हरदीप कौर नूं वॉइस नहीं आ रही,
बाकी सब नू वॉइस आ रही है, प्लीज यस और नो दे विच आंसर कर दो। बाकी सब नू अनन्या नू आ रही है, पूनम नू भी आ रही है, किरणदीप नू भी आ रही है, इंदरजीत प्लीज तुसी रीज्वाइन कर लो जिन्हां नू वॉइस नहीं आ रही। फिर आप गल करते हैं व्यंजन धुनिया, क्योंकि पिछली मीटिंग दे विच व्यंजन धुनिया बारे आप नहीं पढ़िया सी। सो मीटिंग जो सी 40 मिनट की होंगी है जूम ते, सो 40 मिनट की मीटिंग जो सी वो क्लोज हो चुकी सी। सो हुण आपां गल करदे आं व्यंजन धुनिया की। व्यंजन धुनिया की होंदियां, इंग्लिश विच व्यंजन नूं कहिंदे आ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड्स की होंदियां, व्यंजन धुनिया वह होंदियां जिन्हां नूं उचारण समय जदों आपां उन्हां नूं उचारदे आ तां अपना जो साह है वह धुनिया नूं कुछ समय लई थोड़े या वध समय लई रोक के रखदा, मतलब रुकावट पैदा करदा। लेकिन स्वर दे विच की हुंदा है, साह कोई भी रुकावट पैदा नहीं करता। व्यंजन धुनिया दे विच साह जो है थोड़े या वध समय दे लई रुकावट जो है पैदा करता है, और उचारण दे समय ए जो है इन्हां नूं उचारण दे विच समा भी वध लगता है। स्वर धुनिया नूं उचारण समय घट समा लगता है, व्यंजन धुनिया नूं उचारण समय वध समा लगता है। ठीक है, हुण आपां देखदे हां कि व्यंजन धुनिया दी वर्ग वंड किवें हुंदी है। सब तो पहला आप देखांगे कंठी धुनिया। पिछले अगर तुसी पिछला पेपर दिता होएगा ETT सैकेंड पेपर जो होया सी उन्दे विच एक क्वेश्चन आया सी शायद केड़ी जो है पप्पा की है, पप्पा सी या तत्ता सी, तालवी है या होठी है, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया सी। एग्जैक्ट मैनू याद नहीं, सो इन्हां नू तुसी याद कर लियो या तो स्क्रीनशॉट लै लियो, स्क्रीनशॉट लैके नोट डाउन कर लियो। ठीक है, सब तो पहला आप गल करांगे कंठी धुनिया की। कंठी धुनिया दे विच क वर्ग वाले जिन्ने भी पांच अक्षर आ वह आ जाते हैं, कक्का खक्खा गग्गा कग्गा अंगा। ठीक है, कक्का खक्खा गग्गा कग्गा अंगा। ठीक है, ये कंठी धुनिया ने, मतलब कंठी धुनिया इन्हां नूं क्यों कहा जाता है, जदों भी आपां इन्हां नूं उचारदे आ अगर तुसी उचार के देखोगे, हुण तुसी उचार के देख सकते हो क्योंकि माइक तो सब दे म्यूट आ, अगर तुसी कक्का खक्खा गग्गा कग्गा अंगा दे विचों कोई भी एक वर्ड उचार के देखते हो तां इहदी आवाज़ जो आएगी अपने कंठ तो आएगी। कंठ मतलब जिथे अपना कां है, जिन्हों एडमज एप्पल भी कहा जाता है, मतलब गले दे कोल जो पॉइंट हुंदा है उस तो थले आवाज़ जो है इसकी आउंदी है। अगर तुसी उचार के देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस जो है उस तो ही पता लगेगा कि कंठी धुनी है भी या नहीं, या एवें ही किसी ने कहता, एवें तो कोई रूल नहीं बनता ना। सो इसलिए कंठी धुनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हों उचारण समय अपनी जो आवाज़ है कंठ तो निकलती है। ठीक है, दूसरा है तालवी धुनिया। तालवी धुनिया मतलब जदों आप इन्हों उचारते हाँ तो तालू जो है अपना तालू जो है वह रोल प्ले करता है, जिमें चचा छछा जजा झज्जा अंगा, ये जो है इन्हों जो आप उचारते हाँ तो यह तालू जो है अपना मूँह दे विच जो है तालू जो होंगे वह रोल प्ले करता है। तीसरा है उल्ट जीबी। उल्ट जीबी दे विच ट वर्ग वाले जिन्ने भी अक्षर आ पांच ने वो सारे उल्ट जीबी आ, जो आप इन्हों उचारते हाँ तो उचारण समय की होंगे कि अपनी जीभ जो है उल्टी घूम जाती है, बैक जो है हो जाती है। ठीक है, रोल जहा करती है एक जीभ उल्ट जीबी हो जाती है। ठीक है, तुसी उचार के देख सकते हो ट ठ ड ट न, इन्हां नूं उचार के इन्हां विचों कोई भी एक वर्ड नूं उचार के देख सकते हो, टैंका ठट्ठा डड्डा टड्डा नाणा, इन्हां दे विचों कोई भी उचार के देखो ताड़ी जीभ जो है उल्टी होएगी, ये जो है उल्ट जीबी धुनिया ने। फिर गल करते हैं दंती धुनिया की। दंती धुनिया इन्हां नूं क्यों कहा जाता है, क्योंकि जदों आपां इन्हां नूं उचारदे आ तां जो अपने दंद आ उह रोल प्ले करदे आ, जिवें तत्ता बोलदे आ तां अपने दंद जो आ जुड़दे आ एक तरह के, तत्ता थत्था दद्दा तद्दा नन्ना। ठीक है, फिर है होठी धुनिया। होठी धुनिया इन्हों क्यों कहा जाता है, जदों आप पप्पा फफा बब्बा भब्बा मम्मा इन्हों उचारते हैं तो अपने दोनों होठ जो आपस दे विच मिलते आ, तुसी उचार के देखो खुद ट्राई करके देखो, पप्पा फफा बब्बा भब्बा मम्मा दोनों होठ मिल रहे हैं ना, सो इसलिए इन्हों होठी धुनिया कहा जाता है। तुहानू क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किवें पुछदे आ, क्वेश्चन इदा पुछदे आ
कि इन्हां विचों केड़ी होठी धुनी है। आ पांच ऑप्शन जो है पप्पा फफा बब्बा भब्बा मम्मा दे विचों एक ऑप्शन दे दी जाएगी, तुसी चुनना पएगा कि केड़ी ये होठी धुनी है। ठीक है, क्वेश्चन होणगे ग्रामर दे उपर। सो अज मैं सिर्फ बेसिक जो है थ्यूरी करवा रहा, क्योंकि काफ़ी सारे कह रहे थे कि थ्यूरी नहीं करवाते सर तुसी। सो बेसिकली जो पंजाबी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, इन्हां विच थ्यूरी मैटर नहीं करती। इन्हां विच जिन्ने तुसी एमसीक्यू करोगे वो जो ज़्यादा परफेक्ट देंगे। लेकिन फिर भी मैं तुहानू एक बारी जो है थ्यूरी जो है करवा रहा, लैक्चर मैथड के नाल ये करवा रहा। इस तो बाद गल आती है नासकी व्यंजन, अनुनासकी भी कहें और नासकी भी कहें। इन्हां उपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नासकी व्यंजन केड़े केड़े आ, और इन्हां दी गिनती स्पैशली पूछी जाती है। नासकी व्यंजना की गिनती दसो, नासकी व्यंजना की गिनती जो है पंज है। जिन्हें भी क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, त वर्ग है, उन्होंने लास्ट वाले जेड़े अक्षर आ वह नासकी व्यंजन आ, जिमें अंगा अंगा नाणा नन्ना मम्मा, ये जो आ नासकी व्यंजन आ। ठीक है, ये पंज आ गिनती दे विच। सो तुहानू इन्हों याद रखना पेगा। ठीक है, पंज गिनती दे विच आ, तुहानू क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुनासकी व्यंजना की गिनती दसो, या इन्हां विचों कोई भी एक पूछ लिया जाएगा कि केड़ा जो है नासकी व्यंजन है। इस तो अलावा एक चीज़ होर है, जेडे आ अखर लिखे हुए अंगा नाणा नन्ना डाड़ा लल्ले पैर बिंदी, इन्हां नाल पंजाबी भाषा विच कोई भी शब्द जो है शुरू नहीं हुंदा। ये भी याद रख लियो, एक फैक्ट है, पंजाबी भाषा विच ये पंज शब्दां नाल कोई भी शब्द शुरू नहीं हुंदा। ठीक है, नैक्सट है, तुहानू एक क्वेश्चन दे विच पेपर दे विच आ भी जरूर मिलिया होएगा, पंजाबी भाषा विच अर्ध स्वरां दी गिनती दसो, पंजाबी भाषा विच अर्ध स्वरां दी गिनती दसो। वो किन्ने आ? दो आ। पंजाबी भाषा विच दो अर्ध स्वर ने, केड़े केड़े ने? यया ते वव्वा, यया ते वव्वा, ये दो अर्ध स्वर। ठीक है, सो तुहानू कई बार ये भी पूछ लिया जाएगा कि पंजाबी भाषा दे विच केड़ा अर्ध स्वर है, इन्हां दोवां विचों कोई एक ऑप्शन दे दिती जाएगी या दोनों ऑप्शन दे दित्तियां जाणगियां और थल्ले ऑप्शन दिती जाएगी ए और बी दोनों, या इन्हां विचों कोई एक पुछ लिया जाएगा। सो तुहानूं ये दोनों याद रखने पैणगे, ये दोनों जो आ अर्ध स्वर आ, मतलब सब इन्हां नूं कह सकदे हां सब वोवल कह सकदे हां। ठीक है, ये जो है पंजाबी दा इन्ना ही पार्ट सी अज दा। सो एक मैनू जदों न्यू लिंक सेंड होया सी, किसी ने कहा सी कि सर हिस्ट्री दे विच्चों मैनू डाउट आ, उस तो पहला पंजाबी दे विच्चों किसी नू कोई डाउट आ तो वह पूछ लो, क्योंकि बाद च कॉल करके तुसी पूछ दियो कि सर डाउट लै लो या डाउट सैशन लै लो, डाउट सैशन बाद विच्च होण नालों वधिया है कि हुणे ही डाउट क्लीयर कर लो। जेकर तुसी नाल दी नाल डाउट क्लीयर कर दियो तो वह ज़्यादा बैटर है। हाँ जी करनिका, किस चीज डाउट है? सर, अर्ध स्वर धुनी भी होते नहीं? दो ही होंगे, यया ते वव्वा, दो ही अर्ध स्वर होंगे, र नहीं होंगे, र तो पैर दे विच लगता है। उनके बारे में अगे डिस्कस होएगा। हाँ जी, अनन्या और गुरदीप ने दा मैसेज आया। सो किसी होर दा कोई डाउट है तो प्लीज़ दस दो, अगर सांझ तुहानू आवाज नहीं आ रही तो प्लीज़ एक बार रीज्वाइन कर लो। रारा फड़कवा व्यंजन होंदा है। हाँ जी, उही मैं कह रहा ना, रारे बारे अगे चर्चा होएगी, हजे पंजाबी तो शुरुआत ही है ना, हजे तो नहीं भर रहे हैं। एक बारी तुहाडा लैवल चैक करने लई और तुहाडा जो है बेस बनाने लई आज दा लैक्चर जो है रखा गया। एनी डाउट होर किसी नू? कोल आई सी गुरदीप दी, गुरदीप तुहानू हिस्ट्री च डाउट सी? अगर तुसी हुण माइक अनम्यूट नहीं करोगे तो इदा नहीं होएगा ना फिर डाउट क्लीयर, माइक तो अनम्यूट करने पैणगे तुहानू। क्लास की टाइमिंग अज लई सिर्फ यही है, कल तो एक बार मैं क्लास की टाइमिंग दसांगा। एक हाँ, एक चीज़ होर,
गुरदीप अगर तुसी डाउट क्लियर करने हैं तो प्लीज माइक अनम्यूट कर लो, अदरवाइज मैं अपना जो है दसना चाहना जो फिर मैं वो स्टार्ट करन लग गया।